नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं मोटो टर्बो की और उसका स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं, इसमें क्या खासियत है और अभी कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप मतलब बिग बिलियन डे के अंदर परचेज करते हैं तो आपको 13,000 कुछ रुपये में मिलेगा, जबकि इसका प्राइस 31,000 अप्रॉक्स है। मतलब इतना डिस्काउंट है, क्या खासियत है, चलिए वो मैं बताता हूँ। अभी का सबसे ट्रेंडिंग फ़ोन चल रहा है, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगे तो, और साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे जो लाइक बटन है, थंब सिंबल है, वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप मतलब सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, डिले नहीं होगा और शायद वो आपको हेल्पफुल रहे, मतलब ज़्यादा वो वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। चूँकि मैं स्मार्टफोन के साथ साथ ट्रिक्स पे भी वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए चलिए तो शुरू करते हैं इस फ़ोन के बारे में। देखिए, ये है मोटोरोला का ऑफिशियल वेबसाइट मोटो टर्बो के, जो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और क्या है ये, इसका स्लोगन ही देख लीजिए मोटो टर्बो का है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस विदाउट लिमिट्स। तो इसमें क्या क्या खासियत है, और पहले तो देख लीजिए इसका फर्स्ट लुक देख लीजिए, कितना अच्छा लुक है। ऐसा नहीं है कि बैड लुकिंग है, देता है। बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसा रहता है कि उसका हार्डवेयर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, लेकिन कभी कभी जो फ्रंट लुकिंग है वो बेकार रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं और चलते हैं इसका स्पेसिफिकेशन में। अब देख रहे हैं 3900 mAh बैटरी, टर्बो चार्जिंग, ये सब मतलब मेन फीचर जो है। टर्बो चार्जिंग का मतलब है बहुत फास्टली चार्ज कर लेता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है, टर्बो चार्जिंग के इंक्लूड गेट 7 hours ऑफ पावर इन जस्ट 15 minutes। मतलब अगर 15 मिनट आप चार्ज कर लेते हैं तो 7 घंटा तक आप अपने स्मार्टफोन को चला सकते हैं, मतलब इस मोबाइल को चला सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, इसका कैमरा भी बहुत पावरफुल है, देखिए स्पेसिफिकेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें लॉलीपॉप है, एंड्रॉयड 5.2.0। ठीक है, और ये इसमें इसका प्रोसेसर जो है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 805 प्रोसेसर और 2.7 GHz का क्वाड कोर सीपीयू है। ठीक है, और रैम की बात करें, रैम 3 GB है, और ये जो बिट की बात करें तो ये 64 bit का है। ये जो मोबाइल है 64 bit सपोर्ट करता है, और मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि 32 bit और 64 bit में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। मतलब छोटा सा मतलब बस सिंपल एक लाइन में मैं कहूँ तो, अगर आपका प्रोसेसर चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, अगर आप 32 bit प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप अपने सिस्टम में 4 GB का रैम लगा सकते हैं। लेकिन अगर 64 bit का प्रोसेसर है तो आप 1 exabyte तक का एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि इतना जितना सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा रैम करना है तो आप प्लीज़ 64 bit सिस्टम लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस मिलता है वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर को, और फास्टली स्मूथली काम करता है, इसका हार्डवेयर भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर बात करें इसका डिस्प्ले का, ये 5.2 inch डिस्प्ले है और ओमोलेड स्क्रीन है। ठीक है दोस्तों, और रिजोल्यूशन की बात करें तो 1440x2560 रिजोल्यूशन है। PPI की बात करें तो 565 PPI है। बैटरी इससे पहले मैं बता चुका हूँ, 3900 mAh की बैटरी है। कैमरा की बात करें तो 21 MP पीछे का कैमरा है, मतलब बैक कैमरा 21 MP है। LED फ्लैश डुअल है, वीडियो कैप्चर 4K तक कर सकता है, मतलब HD क्या कहें, मतलब गजब स्मार्टफोन है।
और के मोबाइल जल्दी नहीं मिलता, ऊपर से इतना डिस्काउंट में, मतलब आपको 13,000 तक में मिल रहा है, आश्चर्य हो रहा है। उसका ओरिजिनल प्राइस 31,000 है। हाँ, थोड़ा फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा 2 मेगा लेकिन फुल एचडी वीडियो रहेगा, मतलब 1080p का रहेगा। सिम कार्ड स्लॉट जो है नैनो सिम इसमें लग सकता है, बस वाईफाई ब्लूटूथ ये सब तो आपको जनरली रहता है स्पीकर। और इसमें खासियत की बात करें तो सेंसर जो मेन होता है वो, जब अगर वीआर यूज कर रहे हैं आप वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट, तो जायरोस्कोप ज़रूरी होता है। इसमें जायरोस्कोप है, हॉल इफेक्ट, इंफ्रारेड, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, और बीएंट लाइट कंपास, तो ये है। तो मेन जायरोस्कोप था, क्योंकि अगर जायरोस्कोप नहीं रहेगा तो वर्चुअल रियलिटी का मज़ा नहीं ले सकते हैं आप। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेट परचेज करें, तो परचेज करने के लिए आप इसके ऑफिशियल साइट पे चले जाइए, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ फ्लिपकार्ट का लिंक है, ये फ्लिपकार्ट पे बाय कर सकते हैं। देखें आगे होता है क्या। देखिए 31,999 का है, 56% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपया में मिल रहा है। लेकिन ओह, बैड न्यूज़ दोस्तों, ये सारे आइटम सोल्ड आउट हो चुका है, अभी अवेलेबल नहीं है। तो मेरा यहाँ पे मेन मोटो था कि फुल स्पेसिफिकेशन बता देने का, अगर कभी स्टॉक में आता है, डिस्काउंट में आता है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।